रोहन, हमने बात करी थी पेड एड्स के ऊपर कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था और फाइन मतलब मुझे कॉल पे, व्हाट्सएप पे भी ये मैसेजेस आती है कि भाई फेसबुक एड्स रन करे या यूट्यूब एड्स रन करे या फिर इंस्टाग्राम एड्स रन करे। तो बेसिकली यूट्यूब एड्स तो हम आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में टारगेट करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे आज इंस्टाग्राम एड्स रन करना चाहिए या फेसबुक एड्स रन करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है अभी फिलहाल हो चुका है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम था वो फेसबुक का जो फाउंडर था उसने बाय कर लिया है बहुत पहले ही। तो इसीलिए अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन करना है तो आपको फेसबुक से भी आप कर सकते हो ऐड रन, ठीक है। सो बात करते हैं भाई आपको किस चीज़ पे, किस प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करना चाहिए। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा भाई, आप अपना प्रोडक्ट को सबसे पहले देख लो कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, ठीक है। आपके टारगेटेड ऑडियंस क्या है, जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है उन्हीं लोगों तक आपको जो है प्रोडक्ट, आप उनके हिसाब से आपको टारगेटिंग करनी है। जैसे अगर आपके टारगेटेड ऑडियंस है 18 से 24 लोग, तो वो ज़्यादातर है इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपके टारगेटेड ऑडियंस है 25+, तो वो लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, ठीक है। सो इसी हिसाब से आपको जो टारगेट करना पड़ेगा। अब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि यूथ के लिए, जैसे कोई टी शर्ट वगैरह हो गया, तो आप टारगेट कर सकते हो 18 से 24। तो 18 से 24 कहाँ पे है, इंस्टाग्राम पे। एंड अगेन आपको इंस्टाग्राम पे ही टारगेटिंग करने पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे टारगेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी लगा सकते हो, सेकंड चीज़ आप इंस्टाग्राम रील्स डाल सकते हो, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ऐड रन करनी चाहिए या फिर फेसबुक एड्स मैनेजर कनेक्ट करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी ऐड रन कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ऐड रन करते हो तो आपका जो CPC है या फिर कॉस्ट पर लीड आप कह सकते हो, वो आपका बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब कंपेरिजन अगर फेसबुक एड्स मैनेजर से आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन करोगे तो भी वो मतलब जो है ज़्यादा आएगा, ठीक, कम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप ऐड लगाओ तो आपको जो है एड्स मैनेजर से ऐड लगाना है। सो एंड अगर आपके फेसबुक पे ऑडियंस है तो आपको फेसबुक पे एड्स लगाना है, ठीक है। और बाकी अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन से ऐड लगाना है या फिर आपको जो है वेबसाइट से ऐड लगाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट से ऐड लगाइए। जो एड्स मैनेजर का जो वेबसाइट आता है उससे आपको जो है आपको ऐड लगाना है। तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी अच्छे नए नए फीचर्स जो फेसबुक ऐड करता है, वो फीचर्स का भी आपको फायदा वहाँ पर हो जाता है। तो उस फीचर्स की वजह से भी आप जो है अच्छे अपने एड्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड पिक्सल वगैरह का तो आप यूज़ ही करना, ताकि आपका जो डाटा है वो सेफ रह सके। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो में पता लगा होगा कि आपको किस चीज़ पर एड्स रन करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको फेसबुक एड्स अकाउंट बैन हो रहे तो आप कमेंट में बताइए, उसके ऊपर जो सोल्यूशन जो मुझे खुद मिला है वो मैं आप लोगों के सामने उस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।